तुम फ्लैग नंबर क्यों नहीं बता रहा था? ये ओवरसाइज टी शर्ट है, ये खुशबू बहुत अच्छा आ रहा है। स्टूडियो से निकल गए हैं, ये नहीं समझा, मैं सांस नहीं ले पा रही थी। हमको जानना है क्यों कर रहे हो बाबू, जो भी एक दो पेड़ है वो भी काट दो भैया। Hey guys, this is Simran, back to my channel on the blog. So, कैसे आप सब लोग, hope you all are doing well. मैं भी बहुत अच्छी हूँ। So, कल ना मेरा हस्बैंड मुझे ये गिफ्ट किया था, कैसा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना एंड इसका नाम क्या रखूँ वो भी बताना। So, आज है संडे एंड अभी हम लोग थोड़ा बाहर जा रहे हैं, जो भी किचन का सामान है ना, सब्जी चिकन फिश हो गया वो सब लाने जा रहे हैं, क्योंकि फिर पूरा हफ्ते में और टाइम नहीं मिलता है। So, चलो आज का डे यहीं से स्टार्ट करती हूँ, वीडियो स्किप ना करके फुल वीडियो देखना एंड जो अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो यार। मिस्टर DIY सर्च करो, मिस्टर DIY के पास ही है ये वाला ना। तो हम लोग घर से निकल गए हैं एंड बाहर इतना ज़्यादा गर्मी, एक्चुअली ना दोपहर को कभी निकले नहीं ना तो नहीं समझी थी अभी इतना ज़्यादा गर्मी होता है बाहर, तो जैसा धूप वैसा गर्मी। और चाहे तो हम लोग शाम को भी जा सकते थे लेकिन आज क्या है ना, शाम को फ्रेंड आने वाले हैं घर पे, तो इसीलिए हम लोग सोचा कि सुबह ही कर लेते हैं। सो गाइस, मैं ना कल आई थी स्टूडियो में एंड कल यहाँ से कुछ खरीदा था वो मेरा साइज में बहुत छोटा हो गया, तो वो आज रिटर्न करने आए थे एंड मेरा हस्बैंड को ना ये लेना था, ये वाला लेना था, तो उनके लिए ये मैंने ले लिया है। ये अच्छा है। सो फाइनली आधा घंटा हम लोग लाइन पे वेट करके आए हैं बिलिंग काउंटर। कल ना हम लोग आए थे स्टूडियो में एंड इतना ज़्यादा भीड़ था कि मैं वो शूट नहीं कर पाई और कुछ खरीद के लेके गई थी और उसका साइज छोटा हो गया, तो सबसे पहले आ गया था स्टूडियो में उसको एक्सचेंज करने के लिए एंड उसने भी शॉपिंग कर लिया है थोड़ा सा। स्लीपर्स वगैरह लिया है, कल भी लिया था और अभी निकल रहे हैं, अभी जाएंगे मार्केट और जो भी एक्स्ट्रा सब सामान बचा है वो खरीद के ले लेंगे। मैंने आगे निकल गए हैं, अभी जो भी एक्स्ट्रा काम है ना, सब्जी लेना है और चिकन मछली वगैरह लेना है वो अभी जाके ले लेंगे। गाड़ी ऐसा गर्म हो के है ना, मतलब मैं आपको बोल के नहीं समझा, मैं सांस नहीं ले पा रही थी कार के अंदर आके, इतना ज़्यादा गर्म हो के रखा है ये। और दोपहर को मैं कभी भी नहीं निकलूँगी कुछ भी हो जाए। आज ना मुझे बाहर निकल के बस इतना ही फील हो रहा है कि मेरा पति महीने में 8 दिन कैसे जाता होगा ऑफिस इतना गर्मी में, मतलब आपको पता है मैं सांस नहीं ले पा रही थी, मतलब मैं पूरा सफोकेशन हो रहा था मेरा। फिर पानी वानी पिया जब हम लोग स्टूडियो से निकले उसके, मतलब गाड़ी का अंदर ही गाड़ी इतना गर्म होकर रखा था कि एकदम ही नहीं सांस ले पा रहे थे। जो भी एक दो पेड़ है वो भी काट दो भैया और गर्मी में मरेंगे सब। अभी आ गए हैं घर के सामने एंड हमारे घर के सामने ही ना चिकन और फिश का दुकान है, वहीं से लेंगे। जहाँ गए थे जूडियो वहाँ पे मेन हम लोग गए थे फिश लाने के लिए, एक बंगाली फिश शॉप था वहाँ पे, लेकिन इतना गर्मी, मतलब गाड़ी के अंदर मैं तो एकदम तबीयत ख़राब हो गया मेरा, तो वहाँ से ना नहीं लिया हम लोग, सीधा आ गए वहाँ से, वहाँ पर और वेट नहीं किया, सोचे कि घर के सामने से ही ले लेंगे। तो आ गए हैं घर और ना मछली का दुकान बंद था, सिर्फ चिकन लाए हैं और सब्जी ले नहीं पाए क्योंकि बाहर इतना ज़्यादा गर्मी, वहाँ पे और खड़ा नहीं रह पा रहे थे। घर आ गए हैं, ब्लिंकिट से ऑर्डर कर दिया है, सब्जी आ जाएगा। और इसका नाम आप लोगों ने सोचा कि नहीं, इसका नाम मेरे को चाहिए, मेरे को जल्दी से कमेंट करो इसका नाम क्या होना चाहिए। सो गाइस, कल मैं जो मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ ना मेरे साथ यही प्रॉब्लम होता है, हाँ दरवाजे पे आवाज होगा मेरा मुंह पकड़ लेता है। सो गाइस, कल जो टीवी का वॉल्यूम कम, टीवी का वॉल्यूम ठीक है। सो गाइस, आके ना हम लोगों ने लंच कर लिया है एंड आज लंच में खाए थे सैंडविच जो मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब लग रहा था ना, और मेरे को मन नहीं किया कि मैं कैमरा ले जाके किचन में शूट करूं और किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी होता है, मैं आप लोगों को पहले ही बोली हूँ।
सो नहीं कर पाई। सो चलो आज मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि कल और आज क्या क्या शॉपिंग किया है हमने। शॉपिंग मतलब वैसा कुछ नहीं, नॉर्मली डेली यूज के लिए जो कुछ भी चाहिए होता है वो सब मैंने लिया है। सो मेरा हस्बैंड का मैं पहले दिखाती हूँ, ठीक है। मेरा हस्बैंड ना कभी भी वो शॉपिंग नहीं करना चाहता है, ठीक है, लेकिन वो कल इतना ज्यादा एक्साइटेड था कि नहीं मुझे ये लेना है मुझे वो लेना है, तो हाँ मैं बोली अच्छा ठीक है आप लो। तो ये ना टी शर्ट उन्होंने लिया है, ये लिया है जूडियो से। जूडियो में ना ऑफर चल रहा था बाय वन गेट वन फ्री, लेकिन कल मैं जिस आउटलेट में गई थी उसमें कोई ऑफर नहीं था। सो ये सब ना डेली यूजेस के लिए बहुत अच्छा होता है, कपड़ा क्वालिटी बहुत अच्छा है, फैब्रिक बहुत अच्छा है। एक ये टी शर्ट हो गया, एक ये टी शर्ट ये मैंने चूज किया है, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो एक ये है एंड ना बहुत अच्छा क्वालिटी है, मतलब बहुत ही अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल है ये घर पे पहनने के लिए, बाहर पहन के भी जा सकते हो, बहुत ही अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल है। एक ये हो गया एंड ये है एक ब्लैक, एकदम सब सिंपल सा, एकदम सिंपल एंड सोवर में लिया है, इसमें भी कुछ लिखा हुआ है। सो उन्होंने एक ब्लैक, एक ब्लू एंड एक व्हाइट में लिया एंड एक शॉर्ट्स लिया है, मैंने बोला कि एक शॉर्ट्स भी ले लो आप। सो ये गया मेरा हस्बैंड का एंड एक स्लीपर लिया है जो कि एक क्रॉक्स टाइप का, वो पहन के शायद चला गया है। एंड अभी शुरू करते हैं मेरा, मैंने क्या क्या खरीदा। सो ये मैंने एक टी शर्ट लिया है, ये बैक साइड है एंड ये है फ्रंट साइड। ये ना जूडियो में अभी जस्ट नया ही आया है, कल परसों ही आया है ये टी शर्ट, ओवरसाइज टी शर्ट है। एंड ये जो पहनी हूँ ना ये भी मैंने कल ही लिया है जूडियो से। सो बहुत ही कंफर्टेबल है एंड फैब्रिक भी बहुत अच्छा है। प्राइस आई थिंक इसका है 299 कर। ये लिया है स्काई ब्लू में एंड ये एक लिया है ग्रीन में और एक लिया है मैंने, एक ये लिया है बैक साइड में। देखो कितना अच्छा डिजाइन है ना, मतलब इनका ना बैक साइड में ही है, जितना स्टिकर्स है सब बैक साइड में, फ्रंट में कुछ नहीं है, फ्रंट में जस्ट थोड़ा सा सिंपल सा कुछ एक स्टिकर लगाया हुआ है। सो ये तीन मैंने लिया है जूडियो से। एंड और एक जो है ना ये हम दोनों ही पहन सकते हैं क्योंकि ये ओवर साइज टी शर्ट है, ये एक्सल में लिया है ताकि मैं भी पहन सकूं, मेरा हस्बैंड भी पहन सके, क्योंकि ये एक्चुअली ये मेरा हस्बैंड के लिए लिया था बट मुझे बहुत पसंद आ गया तो मैं बोली ये मैं भी पहनूंगी, तो वो बोला ठीक है। एंड ये ना जूडियो का नहीं है, ये लिया था यूस्टर से, यूस्टर सिलीगुड़ी में तो शायद यूस्टर नहीं है बट पुणे में यूस्टर है, तो ये मैंने यूस्टर से लिया है। बहुत ही अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है। और एक चीज देखो, आई डोंट नो व्हाई ये मेरा हस्बैंड मुझे गिफ्ट किया है, और ये आज सुबह जब हम लोग गए थे ना जूडियो पे, ये तब मेरा हस्बैंड मुझे बोला है कि ये लो, मतलब ठीक है बहुत अच्छा है, पेस्टल कलर में है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये मुझे अभी ज़रूरत नहीं था बट मैं ना लाइन पे खड़ी थी क्योंकि जूडियो में बहुत ज़्यादा भीड़ था बिलिंग काउंटर में, यहाँ पे तो बाप रे कल भी जैसा भीड़, आज भी वीकेंड में ऑब्वियसली भीड़ तो होगा ही। तो मैं खड़ी थी, मेरा हस्बैंड बोला मैं थोड़ा सा वहाँ से आता हूँ, जाके वो ये लेके आया। अभी मैं बोले अभी नहीं चाहिए ये मुझे, अभी मैं कहाँ पहनूँ ये सब, यहाँ पे कुछ अभी फेस्टिवल भी नहीं है, पूजा भी नहीं है, तो बोला नहीं ये लेके रखो बाद में पहनोगे। तो ये मेरा हस्बैंड मुझे गिफ्ट किया है एंड ना कल ना मुझे ये सॉफ्ट आई गिफ्ट किया था मिनी सो से, वो तो बहुत ही क्यूट है। और मैंने मिनी सो से ये एक लिया था, ये ना राइस नेचुरल ब्यूटी का फेस मास्क है, फेशियल मास्क है। सो ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, ट्राई करूंगी, जब मैं ट्राई करूंगी आप लोगों के साथ रिव्यू भी शेयर करूंगी। सो इतना ही शॉपिंग किया मैंने, अभी इन सबको फोल्ड करके रखना पड़ेगा और ये मुझे ही रखना पड़ेगा क्योंकि मैंने निकाला है, और ना अभी मुझे इतना नींद आ रही है, लेकिन अभी आज शाम को मेरे हमारे घर पे आ रहे हमारे कुछ फ्रेंड्स आ रहे, कुछ मतलब दो ही फ्रेंड आ रहे, तो अभी उनके लिए मैं खाना बनाऊँ, मतलब अभी खाना नहीं बनाऊँगी, अभी टाइम हो रहा है 3:20, 4:30 बजे मतलब एक घंटा रेस्ट करूँगी, उसके बाद फिर मैं खाना बनाऊँगी। तो अभी ना जाके चिकन बनाऊँगी, तो चिकन अभी ये सब फोल्ड करने के बाद जाके चिकन को मैरिनेट करके रख दूँगी एक घंटा, अच्छे से मैरिनेट होने से ना बहुत सॉफ्ट हो जाता है चिकन, तो वो पकाने में बहुत ईजी, मतलब बहुत जल्दी पक जाता है। चलो बहुत सारा टिप्स दे दिया।
चिकन मैरिनेट करके रख दिया है फ्रिज में, उसको अभी एक घंटा टाइम लगेगा और एक घंटा मैं सोची थोड़ा सा रेस्ट ले लेती हूँ, मैं अभी सो जाऊंगी एक घंटा बाद उठ के फिर खाना बनाऊंगी। मैं उठ गई हूँ नींद से और आ गई हूँ, चिकन बना रही हूँ अभी और मेरा हस्बैंड बना रहा है पुलाव, बनाएगा अभी वो ऑनियन कट रहा है। तो मैं ना भूल ही गई थी आप लोगों को छोटी सी रेसिपी शेयर करूँगी। रेसिपी कुछ नहीं, जैसे मैंने दिखाया ना, जैसे चिकन को मैंने दही, जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड जो भी रेगुलर मसाला है, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, जीरा, धनिया और नमक, सारा चीज़ से मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया था एक घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 5-10-15 मिनट भी रख सकते हो। उसके बाद मैंने क्या किया ना, बैक कैमरा से दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ना जितना गरम मसाला है ना, दालचीनी, इलायची, लौंग और भी जो बिरयानी मसाला है वो सब डाला है, सब गोटा को क्या बोलते हैं, हरा मसाला डाले हैं। उसके बाद यहाँ पे तेज पत्ता और रेड चिली भी डाले हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑनियन डाल दिया है, ये ना पेस्ट नहीं है, ये मैं चॉप करके रखी थी वो है। अभी ये जब तक गोल्डन ब्राउन नहीं होता है तब तक इसको अच्छे से फ्राई करना है। ये ना मैंने जो चिकन मैरिनेट करके रख दिया था फ्रिज में निकाल लिया है। देखो धूल से पूरा एकदम भर के, वाओ गॉड, धूल देखो, ये सब धूल है। कैमरे में शायद नहीं दिख रहा है बट इतना जोर से हवा चला ना, पूरा धूल से एकदम ब्लैक हो गया। तो गाइस खाना बन गया है, ये मैं बनाई हूँ चिकन और ये मेरा हस्बैंड बनाया है पुलाव एंड फिश बनाऊंगी। तो फिश ना यहाँ पे बोली थी कि नहीं मिला था। आज ना घर पे एक छोटा सा हाउस पार्टी रखा गया है। हाउस पार्टी मतलब हमारा बस दो ही फ्रेंड आ रहे हैं उस पार्टी में, हाउस पार्टी नहीं, जस्ट ऐसे गेट टुगेदर के लिए। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई आप लोगों को? मैं बहुत तकलीफ हुई। तुम फ्लैट नंबर क्यों नहीं बता रहा था हमको, जानना है। नहीं बता रहा था, वो गेम खेल रहा था। फ्लैट नंबर बोल, फ्लैट नंबर बोल, ये मुझे ये गेट नहीं वो गेट, अरे फ्लैट नंबर। अच्छा वो गेम खेल चलो ये जन है तो बहुत अच्छा आ रहा है। खुशबू मतलब जो भी स्मेल है इसका, मसाले का बहुत अच्छा आ रहा है। इसे तुम क्या हरी मिर्च डाला और क्या डाल रहे हैं? हम लोग बस वेट कर रहे हैं कि कब खाना शुरू कर सके। हाँ आप लोग खाना शुरू कर। तो आज हमारे घर पे आए हैं चीफ गेस्ट जिनको आने में बहुत तकलीफ हुआ है, घुसते ही बोलते फ्लैट नंबर के लिए बोल रहे थे। एंड आज डिनर के मेनू में बहुत ही सिंपल सा मेनू है, ये है पुलाव, ये है चिकन एंड फिश करी एंड फिश फ्राई और सैलड एंड कोल्ड ड्रिंक्स। सो मैं इतना ही कर पाई, आप लोग प्लीज खाना ग्रहण कीजिए। आ रही हूँ। सो गाइस खाना खाने के बाद फिर मिलते हैं। बीच में हम लोग एकदम नहीं मिल पाए क्योंकि हम लोग बहुत मस्ती किए, बहुत बात कर रहे थे, ब्लॉग में एकदम ही नहीं ला पाए वो सब चीज। सो खाना खाने के बाद फिर मिलते हैं। कमेंट सब्सक्राइब तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, चलो बाय 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 बाबा राजे। किस तरह से लिफ्ट आवर आज पे, थैंक यू पोटाश। चल बाय चल बाय भालो करे जेओ बाय।
सो गाइस आज की ब्लॉग यहीं पे खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, ऐसे और ब्लॉग देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फिर कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।